नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां संजीव मुखिया को लेकर एक बड़ी जानकारी है। ईओयू की पुलिस डायरी में सबूत मिले हैं। आप बता दें, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की कोशिश नहीं, मुखिया रॉकी की गिरफ्तारी की कोशिश नहीं, पेपर लीक के दिन पुलिस को जानकारी मिली। सूचना के बाद भी पुलिस ने नहीं पकड़ा। वहीं आपको यह भी बता दें कि पेपर लीक को लेकर सीबीआई की जांच लगातार जारी है। चरही के सीसीएल गेस्ट हाउस में हजारीबाग के कुल 9 लोगों से पूछताछ चल रही है। सभी 9 लोगों ने गेस्ट हाउस में ही रात काटी। वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम हजारीबाग में ओएस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की, साथ ही स्कूल के 2 अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। पेपर लीक कांड में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, पेपर लीक का मुखिया पर बड़ा खुलासा देखिए सामने निकल कर आया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां ईओयू की पुलिस डायरी में यहां पर सबूत मिले हैं। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की कोशिश नहीं, मुखिया रॉकी की गिरफ्तारी की कोशिश नहीं की गई। पेपर लीक के दिन पुलिस को जानकारी मिली, सूचना के बाद भी पुलिस ने नहीं पकड़ा। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि पेपर लीक को लेकर सीबीआई की जांच जारी है। चरही के सीसीएल गेस्ट हाउस में हजारीबाग के कुल 9 लोगों से यहां पर पूछताछ चल रही है। सभी 9 लोगों ने गेस्ट हाउस में ही रात काटी है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम हजारीबाग के ओएस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की और साथ ही स्कूल के 2 अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। पेपर लीक कांड में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार सीबीआई जो है कार्रवाई कर रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कई राज्यों तक पहुंच गई है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक कई आरोपी संदेह के दायरे में हैं। वहीं हजारीबाग में एक स्कूल के प्रिंसिपल से अब लगातार पूछताछ जारी है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि लातूर के 9 छात्रों के पास पटना के एडमिट कार्ड थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या लातूर के इन छात्रों ने पटना में जाकर एग्जाम दिया। साथ ही ये भी पता लगा रही है कि महाराष्ट्र के नीट स्टूडेंट को बिहार का एडमिट कार्ड और सेंटर क्यों और कैसे मिला था। इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में किसी के साथ संपर्क में था। गंगाधर ही लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी संपर्क में था। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना को जांच सेंटर बनाया है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में ओएस स्कूल में छापेमारी कर प्रिंसिपल से उसके घर और स्कूल में लगातार 8 घंटे तक पूछताछ की। प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर अभी भी पूछताछ जारी। सीबीआई हजारीबाग के एसबीआई मेन ब्रांच में भी जांच करने पहुंची। सीबीआई ने बैंक कर्मियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला। इस बीच झारखंड के हजारीबाग में जिस कुरियर कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगे, उसका मालिक फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाशी में जुट गई है। फिलहाल ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस में ताला लगा हुआ है। इस बीच हजारीबाग में जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। दावा किया गया है कि ई रिक्शा से पेपर बॉक्स भेजे जाने के दौरान ही पेपर निकाला गया और उसे लीक कर दिया गया। इसके बाद पटना के डॉक्टर से उसके जवाब तैयार कराए गए और फिर परीक्षार्थियों को जवाब रटवाए गए। पेपर लीक मामले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं नीट पेपर लीक को लेकर आरजेडी का हमला लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर हमला करते हुए एक पोस्ट किया गया है, एनटीए का डार्क वेब पर लीक था पेपर, ये बेहद चिंताजनक बात है, एडमिट कार्ड बच्चों की जानकारी हैक हुई थी। तो आरजेडी ने सोशल मीडिया पर यहां पर आपको बता दें कि एक पोस्ट किया है, नीट पेपर लीक को लेकर आरजेडी का हमला देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, एनटीए का डार्क वेब पर पेपर लीक था, ये बेहद ही चिंताजनक बात है, एडमिट कार्ड और बच्चों की जानकारी हैक हुई थी। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखिए पूरे मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब लगातार देखा जा रहा है कि सीबीआई भी जांच पड़ताल में आगे बढ़ती जा रही है। देखिए सीबीआई जांच पड़ताल में आगे बढ़ती जा रही है और कड़ी
कड़ी देखे या परत दर परत देखे तो साफ तौर पर जिस तरह से आरजेडी ने सोशल मीडिया पर लिखा है और साफ तौर पर, क्योंकि 20 जून को रिजल्ट आने वाले थे, 4 जून को रिजल्ट निकल जाते हैं, उस समय रिजल्ट निकलते हैं जब देश में चुनाव के रिजल्ट निकल रहे थे उस समय, और उस समय रिजल्ट निकाले जाते हैं और उस समय एक तरह से देश में जो है सरकार बनने के लिए कौन पार्टी जीती कौन पार्टी हारी, इस समय सारे लोग देश के चुनाव के रिजल्ट में लगे हुए थे, उस समय रिजल्ट निकाला जाता है। और उसके बाद जिस तरह से परत दर परत जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह से लीक पेपर को लीक किया गया, तो तमाम चीज़ों पर देखिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, और यही कारण है कि अब CBI इसको देख रही है। अब सवाल ये उठता है कि RJD ने साफ तौर पर कहा है कि 18 तारीख तक वेबसाइट हैक था, तो फिर उसे क्यों नहीं दिखा गया, सरकार जो है NTO को भंग क्यों नहीं कर रही है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है। दूसरी चीज़, संजीव मुखिया के बारे में जब पता था पुलिस को, तो संजीव मुखिया को समय रहते गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, रॉकी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, चिंटू को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पुलिस को पता था कि संजीव मुखिया जो है वो उसको पकड़ना है, लेकिन उसके बाद भी देरी की गई। उसके बाद जो है अब पूछताछ हुई है तो उसके माँ से पूछताछ हुई है। साफ तौर पर अब उसके पिता का एक बयान सामने आ रहा है, उसके पिता ने कहा है कि हम लोग JDU से अलग हो गए, उसी का ये नतीजा है कि हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए जहाँ तक अब CBI इसमें इन्वॉल्व हुई है और CBI जो है इसको जल्द ही मामले को सुलझाएगी, लेकिन जिस तरह से मामला गहराता जा रहा है, साथ ही झारखंड की बात की जाए तो जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल के अलावे 10 लोग हैं और CBI पूछताछ कर रही है, तो ये पूछताछ पहले क्यों नहीं हुई, जब कुरियर का जो मालिक है वो फरार बताया जा रहा है, कुरियर के मालिक को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया, जब इतनी बड़ी परीक्षा थी तो हर परीक्षा के लिए गाड़ी में सील बंद करके और कोई भी प्रश्न पत्र ले जाया जाता है उसमें पुलिस रहती है, पुलिस ले जाता है, तो फिर ई रिक्शा पर क्यों ले गया गया, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी हुई है। और प्री प्लानिंग जो भी इस रैकेट में शामिल है वो प्री प्लानिंग इस काम को किए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासन है, पुलिस है, मुखदर्शक बनी रही है, इसलिए कि कोई भी एग्ज़ाम का पेपर जाता है जहाँ से लॉकर से दूसरे से सेंटर पे जाता है, तो साफ तौर पर कहा जाए वहाँ पर पुलिस जाती है और एग्ज़ाम पेपर के साथ जाती है, तो फिर क्या जो ई रिक्शा से गया पेपर, क्या उसमें पुलिस थी, क्या कुरियर कंपनी से जब गया तो उस समय था, कौन देख रहा था, कौन क्या कर रहा था। देखिए ये तमाम जो पहलू हैं इस पर गहरी नज़र थी उन रैकेट को जो जिन्होंने लीक किया है, और कहीं ना कहीं इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया, और एक तरह से कहा जाए कि इतनी बड़ी चीज़ें जो हैं, इतने बच्चों का जो भविष्य जो है अंधकार में गया है, कारण यही है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में ही खामियां थी। जी बिल्कुल, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर आपको बता दें कि इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर गड़बड़ी की गई है, इससे समझा जा सकता है। और लगातार अब तो CBI भी कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल में आगे बढ़ रही है, हालांकि आने वाले दिनों में और क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना महत्वपूर्ण बन जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुपेंद्र। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, EOU की पुलिस डायरी में सबूत मिले हैं यहाँ पर, ये बड़ी जानकारी, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की कोशिश नहीं की गई थी, तो नीट का ऑपरेशन क्लीन, लगातार ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आए दिन बड़े बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं। तो नीट पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, हिरासत में